नमस्कार। जिस चीज का भारत को डर था वही नेपाल ने कर दिया, यानी नेपाल थोड़ा भी नहीं डरा इतने बड़े भारत से। भारत चाहता था नेपाल ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी नेपाल ने कर दिया। तो दोस्तों क्या कर दिया नेपाल ने? दोस्तों आपको पता होगा कि नेपाल में अभी कुछ दिन पहले तक जनगणना हुई है। पूरे देश की जनगणना तो हो गई थी, लेकिन नेपाल ने जिन भाग पर दावा किया है कालुआ पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा, जो कि इस समय भारत में पड़ते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि नेपाल इन भूभागों को अपना बताता है कि ये हमारा है, और भारत तो कहता है कि ये हमारा है। इसी आधार पर, नेपाल के दावे के आधार पर, नेपाल ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा की जनगणना कर दी है, और वहां के जो आदमी हैं उनको अपने देश का नागरिक बताया, और वहां के नागरिकों को अपने देश की पॉपुलेशन में इंक्लूड कर दिया। दोस्तों भारत चाहता था कि नेपाल यहाँ की जो जनसंख्या है उसको अपने देश की जनसंख्या से ना मिलाए, लेकिन नेपाल ने ऐसा करके ही छोड़ा। दोस्तों बीच में नेपाल ने एक बार भारत से आग्रह किया था कि हम काला पानी में जनगणना करवाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन नेपाल नहीं माना और उसने कर छोड़ा, और वहां की जो जनसंख्या है उसको अपने देश में मिलाया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है भारत के लिए। यानी जमीन और वहां के जो आदमी हैं उन सब पर नेपाल का 100% दावा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस वहां की जो इस समय जनसंख्या है वो लगभग 700 आदमियों की है टोटल मिला के, ठीक है, और नेपाल की जो इस समय जनसंख्या हुई है वो हुई है 2,91,92,480 आदमियों की, और नेपाल ने ये जो जनगणना करवाई ये वहां पे रह रहे कुछ नेपाली लोगों से पूछ के, कुछ सैटेलाइट का यूज करके, यानी भारत की नाक के नीचे बैठ के नेपाल ने वहां की जनगणना करवा दी और भारत को पता भी नहीं लगा। इससे दोस्तों एक चीज का तो साफ क्लियर होता है कि भारत की जो इंटेलिजेंट एजेंसियां हैं वो बहुत कमजोर हो रही है। भारत में गए हुए नेपाली जो वर्कर हैं उन्हीं से जनगणना करवा दी नेपाल ने, और भारतीयों को कहीं, भारतीय सेना को, इंटेलिजेंट एजेंसियों को कहीं कुछ खबर भी नहीं लगी। नेपाल का ऐसा करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। धन्यवाद।